हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिवीजन क्लास ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का रिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कोशिश यानी कंप्लीट ही करेंगे। इसके अंदर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में बेसिकली 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स के अंदर से 3rd चैप्टर तो आपको सब अच्छे से जानते हो कि उसके अंदर क्या है और क्या समझाया जा सकता है, क्या नहीं समझाया जा सकता। उसमें कुछ भी समझाया नहीं जा सकता, बराबर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डेटा है जो आपको ध्यान में रखना है, बाकी उसके अंदर एज सच कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे बाकी के चैप्टर्स हैं वो हम लोग रिवाइज करेंगे बेटा, पूरा अच्छे से रिविजन बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के। 6 चैप्टर का भी रिविजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 चैप्टर में कुछ कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी दी है और वो टर्मिनोलॉजी का मतलब आपको पढ़ना है। ऑलरेडी हमारा हो चुका है तो उसका भी रिवीजन कराना एज सच कोई सेंस नहीं बनता। रिवीजन हम कराएंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ये 4 चैप्टर का मैं रिवीजन करूंगा। अप्रॉक्सीमेटली हर चैप्टर को 1/2 आवर लगेगा और 2 घंटे के आसपास हमारा ये सेशन चलेगा, जिसके अंदर आपका पूरा बीसी के अच्छे से ब्रशअप हो जाएगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सॉरी। हाँ, तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का पहला चैप्टर बेटा इंट्रोडक्शन, क्या है उसमें इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम लोग जो, चाहे आप बिजनेस करो या मत करो, आप जॉब करते हो, आप अगर प्रोफेशन वाले हो, कोई भी आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, कुछ भी हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप किसी ना किसी बिजनेस से जुड़े हुए हो। क्या ये बात सही है? हाँ, एकदम सही है। सर कैसे? सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें आप खरीदते हो, बेचते हो, जो भी आपके डेली नीड्स है, वो सारे बेटा कोई ना कोई बिजनेस वाला ही बनाता है, बराबर है ना। आप सीधा सीधा प्रोड्यूसर से जाके नहीं खरीदते, आप रिटेल, जैसे आपको शक्कर खरीदनी है तो आप शक्कर के मिल में नहीं जाओगे, आप किराना शॉप में जाओगे और वहां जाके शुगर खरीदोगे। लेकिन शुगर आती कहाँ से? शुगर मिल से वो किराना दुकान वाला खरीदता है और वो किराना दुकान वाला फिर आपको बेचता है, यानी आप प्रोड्यूसर से नहीं खरीद रहे, आप रीसेलर से खरीद रहे। लेकिन कई चीजें ऐसी रहती है डायरेक्ट हम प्रोड्यूसर से खरीदते हैं, जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर हम उससे ही करते हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीदते, सॉरी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग करता है हम डायरेक्ट जाके उससे ही ले लेते हैं फर्नीचर। तो ये डिफरेंट चीज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट कि आप कौन सी चीज किससे परचेज करने वाले हो। आई बात समझ में? इसके अंदर आपको दिन भर अलग अलग एक्टिविटीज में खुद को रखना पड़ता है, क्यों? इनकम अर्न करने के, और इस इनकम को आप स्पेंड भी करते हो अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, बराबर है। यही बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है। तो आपको ये रोज किसी ना किसी बिजनेस से कुछ ना कुछ काम रहता है, तो इसीलिए बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कोई कंपनी का ऑडिट करोगे, जैसे आर्टिकलशिप में मान लीजिए आपने सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट किया या सर्विस सेक्टर की कंपनी का ऑडिट किया, और सीए बनने के बाद मारुति सुजुकी वाले आपको अप्रोच करते भैया हमारा ऑडिट कर दो, तो आप उनको बोलेंगे अरे मैंने तो कभी मारुति का ऑडिट किया ही नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ऑडिट किया ही नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे आप, बराबर है ना। तो इसीलिए बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि जनरल हर चीज आपको समझ में आ जाए और आप कभी भी किसी भी टर्म्स को समझ सको और किसी भी तरह का ऑडिट कर सको। आई बात समझ में? अब यहां पे आते हैं डोमेन्स। ये डोमेन्स ऑफ बीसी के यानी मतलब बिजनेस डोमेन यानी एरिया, यानी कौन से एरिया को बिजनेस कमर्शियल नॉलेज कवर करता है। तो जैसे एक्टिविटीज, तो एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी रहती है बिजनेस में? मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, फॉरेन एक्टिविटी हो सकती है, सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, स्केल, स्केल यानी कौन से लेवल पे बिजनेस काम कर रहा है, माइक्रो छोटे लेवल पे कर सकते हैं, स्मॉल लेवल पे कर सकते हैं, मीडियम पे कर सकते हैं, लार्ज पे कर सकते हैं, जियोग्राफिकल स्कोप, इट कैन बी लोकल, इट कैन बी नेशनल, इट कैन बी मल्टीनेशनल, लोकल यानी नागपुर के नागपुर,
नेशनल यानी पूरे इंडिया में, मल्टीनेशनल यानी अलग अलग देशों में, ओनरशिप कैसी हो सकती है, गवर्नमेंट भी चला सकती है, प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर हो सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, LLP बना सकते हैं, कितनी चीज़ें आ गई आजकल। मार्केट, किस चीज़ के मार्केट में आप डील कर रहे हैं, आप नेचुरल रिसोर्सेज बेच रहे हो क्या, कोई इक्विपमेंट्स बेच रहे हो क्या, कोई कमोडिटी बेच रहे हो क्या, आप कैपिटल दे रहे हो क्या, बैंक कैपिटल देती है बराबर कैपिटल, आप लेबर दे रहे हो क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई। स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर का मतलब होता है जिस जिसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो, तो वो आप खुद भी हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर, प्रमोटर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर को भी आप बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है। मैं हमेशा बताता हूँ शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर दो अलग अलग चीज़ है बेटा। शेयर होल्डर्स यानी जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, और दे आर द ओनर्स, बट स्टेक होल्डर आर नॉट नेसेसरीली ओनर्स। स्टेक होल्डर्स यानी उनको आपके कंपनी में इंटरेस्ट है, आपकी कंपनी से लेना देना है, कुछ तो भी काम है, कस्टमर हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं, डेटर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, लॉ मेकर हो सकते हैं, सोसाइटी, कोई भी कोई भी कोई भी हो सकता है। मतलब बात यह आती है कि ऑल शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हर शेयर होल्डर ने पैसा लगाया तो उसको तो कंपनी से कुछ लेना देना है ही, बट ऑल स्टेक होल्डर्स आर नॉट शेयर होल्डर। मान लीजिए कस्टमर हूं मैं, रिलायंस इंडस्ट्री का कस्टमर हूं, मैंने रिलायंस ट्रेंड से कपड़े खरीदे, तो क्या जरूरी है कि मेरे पास शेयर रहेंगे? नहीं, आई एम द कस्टमर, आई एम द स्टेक होल्डर। हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई एम द स्टेक होल्डर, मैं काम करता हूँ मान लो रिलायंस इंडस्ट्री में, शेयर नहीं है लेकिन मेरे पास, आई एम द स्टेक होल्डर, मुझे लेना देना है, लेकिन आई एम नॉट द शेयर होल्डर। दैट मीन्स ऑल शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स, बट ऑल स्टेक होल्डर्स आर नॉट शेयर होल्डर्स। ये स्टेटमेंट बड़े काम की है बेटा। चलिए आगे चलेंगे। फंक्शन कौन से फंक्शन करते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोकस क्या है, कंपनी एज अ लार्ज है कि पर्टिकुलर बिजनेस लाइन पे आपका फोकस है कि पर्टिकुलर फंक्शन पे है। कंसर्न, आपका कंसर्न क्या है, जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो सर्वाइवल, नो प्रॉफिट नो लॉस में देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनका प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, कई बार रहता है ग्रोथ, कई बार वैल्यू एंड इथिक्स, टाटा वालों का वैल्यू एंड इथिक्स रहता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी। तो ये डिपेंड करता है फाउंडर कैसे है, फाउंडर की वैल्यू क्या क्या है, कैसा क्या है, उसके ऊपर सब चीजें डिपेंड करती है। मोड, आप ट्रेडिशनल मोड में बिजनेस कर सकते हैं, किराना दुकान को इमेजिन करिए, यहां पे ट्रेडिशनल मोड वो तराजू है, वो कागज रखता है, उसमें शक्कर डालता है, पूड़ी बांध के देता है, ये ट्रेडिशनल मोड है। फिजिकल मोड हो सकता है ब्रिक एंड मोर्टर, यानी चूने पत्थर की दुकान के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, ऑनलाइन है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अंडरलाइन डिसिप्लिन मतलब कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आपके बिजनेस में यूज होती है, इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलोसॉफी, ये सारे एरियाज है जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वर्ल्ड जो है ये कवर करता है। इसके बाद बेटा आता है डोमेन्स ऑफ BCK, तो उसके अंदर बिजनेस एक्टिविटीज जो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फीचर्स ऑफ BCK क्या होते हैं, तीन है। BCK इज लार्ज, वास्ट, बहुत वास्ट है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, ट्रेडिंग भी होती है, सर्विसेज भी आती है। और मैं बात करूं रिटेल ट्रेड की, तो रिटेल ट्रेड कितने तरह के, घर घर बेचने वाले लोग हैं, फुटपाथ पे बेचने वाले लोग हैं, वीकली बाजार लगते हैं, नेबरहुड में दुकान है, मार्केट प्लेस है, मॉल है, बराबर है, कंपनी चेन स्टोर है, ऑनलाइन रिटेल है, 24/7 आजकल ऑनलाइन रिटेल चल रहा है, सब में अलग अलग है। डोर टू डोर सेलर से आप बहुत बार्गेन करते हो, वीकली बाजार में आप बार्गेन करते हो, नेबर स्टोर आपको क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है, मॉल में आप जाओगे तो बार्गेन नहीं कर सकते, अलग एनवायरमेंट है। ऑनलाइन अगर खरीदना आपको कोई चीज़ तो उसका अलग अलग एनवायरमेंट है परचेसिंग का, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये बहुत वास्ट है। दूसरा BCK इज इक्लेक्टिक, इक्लेक्टिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग जगह से उसने इतनी वोकेबुलरी यूज की, मतलब कई सारे टर्मिनोलॉजी कोई दूसरे जगह से आए हैं, जैसे स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी बनाना यानी प्लानिंग करना, बराबर है, तो ये प्लानिंग ना यूज करके वर्ड स्ट्रेटेजी यूज करता है, ज्यादा अच्छा लगता है। कहाँ से आए ये वर्ड, मिलिट्री से। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट वर्ड से ज्यादा लॉजिस्टिक्स अच्छा लगता है, कहाँ से आया, मिलिट्री से। बुल, शेयर मार्केट जब बढ़ते रहता है उसे बुल मार्केट कहते हैं, बुल बढ़ रहा है, बुल वर्ड कहाँ से आया, बायोलॉजी से। बियर, बियर यानी मार्केट जब डाउन होता है उसे बियर मार्केट कहते हैं, कहाँ से आया वर्ड, बायोलॉजी से। बुल क्या करता है, अपने दुश्मन को उठा के ऐसा ऊपर फेंकता है, मार्केट ऊपर गया। बियर, अपने दुश्मन को ऐसा ऊपर करके उसको नीचे गिरा देता है, बियर मार्केट नीचे आया। तो ये टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से, इसलिए इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन से आई, कहाँ, एक आई मिलिट्री से, एक आई बायोलॉजी से, आई बात समझ में, अलग अलग डिसिप्लिन से ये चीज आती है। इसके बाद बेटा तीसरा फीचर है BCK इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। एवर इवॉल्विंग मतलब नई 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 चीजें इसके अंदर आती रहती है, जैसे सेवरल टर्म्स यूज होते हैं, 24/7
अब आपको मैं कहूँ 24/7 तो आप समझ जाओगे सर 24 घंटा सातों दिन ये शॉप चालू है, ऐसा कुछ तो भी। बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू बी का एग्जाम्पल MRF ने मारुति को बेचा टायर्स, MRF ने आपको टायर्स बेचा, वो हो गया बी टू सी। BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, चिप्स खाने वाली चिप्स नहीं है ये, वो हम माइक्रोचिप्स की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। तो ये एवर इवॉल्विंग एक्सपांडिंग है, नए नए तरीके आते रहते हैं बिजनेस, पुराने तरीके बंद बंद होते हैं, मरते हैं, नए तरीके आते रहते हैं, ठीक है, ये चलते रहता है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज बेटा दो तरह की, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जो हम पैसे के लिए करते हैं, बराबर, और नॉन इकोनॉमिक मतलब जो हम पैसे के लिए नहीं करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का इनकम जनरेटिंग, बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपको इनकम होती है, पैसा। जरूरी नहीं है पैसा यानी पैसे ही आए, कुछ काइंड में भी आ सकता है। कैश काइंड समझता है आपको, कैश में आने मतलब पैसे आना, काइंड में आना मतलब कोई चीज मिलना उसके बदले। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव, कुछ तो भी प्रोडक्शन होगा, कुछ तो भी प्रोडक्टिव होगा। अब प्रोडक्शन मार्केट में बेचने के लिए तो होता ही होता है, साथ ही साथ खुद के जीने के लिए भी, सेल्फ सब्सिस्टेंस या आप बोल सकते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी प्रोडक्शन होता है, तो वो भी बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्शन इज सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, इवन कंजम्पशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि कंजम्पशन इज डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर कंज्यूम करता है, कंज्यूमर डिमांड करता है, डिमांड साइड। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, सप्लाई करता है, सप्लाई साइड। इकोनॉमिक्स के दो साइड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। कितना भी सप्लाई कर दो डिमांड ही नहीं है, फेल हो जाएंगे। कितना भी डिमांड कर लो सप्लाई नहीं है, फेल हो जाएंगे। अगेन सेविंग इन्वेस्टमेंट वेल्थ, पैसे जो भी आते हैं कंजम्पशन के बाद जो बचता है उसे हम सेविंग कहते हैं। सेविंग को हम इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके हम वेल्थ जनरेट करते हैं। सिंपल एग्जांपल, 1 लाख रुपए महीना कमाया, 50,000 सेव किया, साल भर में सेविंग देखेंगे तो 6 लाख हो जाती है। 6 लाख बैंक में इन्वेस्ट किया, बैंक में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, चाहे 3-4 साल में पैसे डबल हो गए, वेल्थ जनरेट हुई। ये सब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हाँ कि ना। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही। एग्रीकल्चर बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? तो ये एग्रीकल्चर में इंडिया में बात अगर करें तो इट डिपेंड्स, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम आपके इनकम टैक्स में तो एग्जेम्प्ट है। तो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होना इसका मतलब वो इनकम इनकम नहीं है, ऐसा नहीं होता, बराबर है। तो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। जैसे दाल की बात अगर करें, पल्सेस की, तो पल्सेस तो खेत से आती है, फार्मर बेचता है, लेकिन दाल मिल में फिर उसको पॉलिश होता है, उसको प्रॉपर पैकिंग होती है, बैग्स में पैक होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो नो डाउट दाल मिल इज अ बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन क्या एग्रीकल्चर जो फार्मर ने उगाया वो बिजनेस एक्टिविटी है क्या? तो दोनों चीज़ें बेटा इसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर फार्मर अपने सब्सिस्टेंस जितना ही उगा रहा है और बेच ही नहीं रहा है तो इट्स नॉट अ बिजनेस, लेकिन फार्मर अपने सब्सिस्टेंस के लिए भी उगा रहा है और साथ में बचा हुआ बेच भी रहा है तो इट्स बिजनेस। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, देखिए देर आर टू अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, बिजनेस के अलावा एम्प्लॉयमेंट भी होता है और प्रोफेशन भी होता है। तो इसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मीनिंग, बिजनेस मतलब अगेन इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, और प्रोफेशन का मतलब क्या है? एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक ऐसी है कि ये काटना है इतना पार्ट, ठीक है ना, ये क्या काट देना, ये यहीं से है, ये एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे डबल कॉपी हो गया, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर क्या है? इंडिपेंडेंट रेटिंग ऑफ सर्विस, यानी आप इसके अंदर इमेजिन करिए कि एक बिजनेसमैन है और एक प्रोफेशन यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एम्प्लॉयमेंट यानी आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बराबर है। जॉब में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, और आप अपनी सर्विसेज रेंडर करते हो, बराबर है। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कौन स्टैब्लिश करता है? एंटरप्रेन्योर, उसका डिसीजन रहता है, लीगल फॉर्मेलिटी करता है और स्टैब्लिश करता है। प्रोफेशन में आप कभी भी कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, आपको एग्जाम पास करनी पड़ेगी, कोई प्रोफेशनल बॉडी से एग्जाम पास करनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से ही आप लोग ये काम कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट में वो जिस जहां आपको जॉब मिलता है वहां लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको दिया जाएगा, सर्विस एग्रीमेंट दी जाएंगे। सोर्स ऑफ लेवलीहुड क्या होता है बिजनेस में? प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस होती है, और इसके अंदर जॉब में वेजेस सैलरी आपको मिलती है।
प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, क्या बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नहीं, अनपढ़ आदमी भी बिजनेस कर सकता है। प्रोफेशन के लिए स्ट्रिक्टली क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और प्रोफेशन के और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी एम्प्लॉयर चाहे मिनिमम क्वालिफिकेशन उतनी जरूरत है। इथिकल गाइडेंस, फाउंडर्स वैल्यू, पिताजी जैसा बेटे को सिखाते हैं वैसा बेटा बिजनेस करता है, बेटा जैसा अपने बेटे को सिखाता है वैसा चलते हुए आता है। प्रोफेशन में कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर के लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डिसाइड करेंगी, सीए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई डिसाइड करेंगे प्रोफेशनल कोड्स, और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एम्प्लॉयर है जिसके आप जॉब कर रहे हैं वो कोड्स डिसाइड करेगा। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। प्रोफेशन में लिमिटेड, ऑफिस बनाना पड़ेगा, थोड़ा फर्नीचर बनाना पड़ेगा, उतना इन्वेस्टमेंट है। और एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पर्सनल ऑटोनॉमी फ्रीडम, बिजनेस में पूरी फ्रीडम है, बस दुकान खोलना है नहीं खोलना है, आज करना है नहीं करना है, इसको माल देना है नहीं देना है, प्रोडक्शन करना है नहीं करना है, मैं डिसाइड करूंगा, मेरी मर्जी। लेकिन इसमें प्रोफेशन में थोड़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा ही फ्री, जब चाहे नहीं आज नहीं आता ऑफिस, ऐसा नहीं होता। जब लास्ट डेट्स आती है ऑडिट की, या फिर आप बोल सकते हैं रिटर्न फाइलिंग की, तो उसको काम करना ही पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ भी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आपको बॉस के हिसाब से चलना पड़ेगा, 10 से 8 काम करना है तो करना ही पड़ेगा, नॉट मच, बिल्कुल नहीं। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, साइकोलॉजिकली आप ये सोचते, बिजनेस करने वाले कई बार आपने सुना होगा बोलते रहते हम इकोनॉमी के पहिए चला रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, तो ये मोटिव है उनके दिमाग में, इकोनॉमिक अचीवमेंट, समथिंग हमने अचीव किया, बराबर है। और सोसाइटी में सर्विस टू क्लाइंट्स, जैसे डॉक्टर्स है, कुछ अच्छे डॉक्टर्स रहते हैं, सर्व करना चाहते सोसाइटी को, भैया पैसे मिले नहीं मिले पेशेंट ठीक होना चाहिए, बराबर है। और एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉयर जिए मरे, एम्प्लॉयर पैसा कमाए नहीं कमाए, प्रॉफिट हो नहीं, उसको हर एक तारीख को अपनी सैलरी से मतलब है। आई बात समझ में? सर्टेनिटी ऑफ इनकम, बिजनेस में अनसर्टन एटलीस्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोफेशन में क्वाइटेबिलिटी है, सीए का दुकान खोला कुछ ना कुछ तो काम चलेगा ही चलेगा, है ना। और एम्प्लॉयमेंट में सबसे सर्टन है, भैया कुछ भी हो तुमको 1 तारीख को तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। स्टेबिलिटी, बिजनेस का स्टेबिलिटी अनसर्टन है, प्रोफेशन सर्टन है, भाई सीए बन गए सर्टन है ऑफिस चलेगा, और एम्प्लॉयमेंट भी क्वाइट सर्टन है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपके बाद कौन, आप बिजनेस चला रहे हैं उसके बाद कौन, आपका बेटा, ट्रांसफर पॉसिबल है, यस। प्रोफेशन में डॉक्टर के बाद उसका बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इस बात की क्या गारंटी, डॉक्टर बने बिना कैसे उसको अपना बिजनेस दे सकता है, वो ऐसा अपना प्रोफेशन दे सकता है ना, कि बिना प्रोफेशन के डॉक्टर बन सकते हैं, सॉरी बिना डिग्री के डॉक्टर बन सकते क्या, कि भाई डॉक्टर का बेटा चल तू तो ऑपरेशन कर ही सकता है, ऐसा नहीं होता, नॉट पॉसिबल। एम्प्लॉयमेंट में भी इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिजनेस से कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैं आपको बता देता हूं। बिजनेस से जॉब क्रिएट किए जाते हैं, नॉट जॉब सीकर, बिजनेस जॉब मांगता नहीं। बिजनेस अगर कोई करता है तो कम से कम 10-15-20-50 लोगों को, जितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट देता है, इसलिए बोलते हैं बिजनेस इज जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा देश का जीडीपी भी बेटा बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है बिजनेस के अंदर, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस नहीं हो सकता। जस्टेशन अनसर्टेनिटी, जस्टेशन मतलब सब्र, सब्र रहना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर, उसके बिना तो बिजनेस कर ही नहीं सकते। हो सकता है पहले साल कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो, लॉस हो, दूसरे साल भी नहीं हो, हो सकता है बिजनेस ना चले, 2-3 साल ट्राई किया लॉस ही लॉस हुआ, बंद करना पड़ा। जस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस भरा हुआ है जस्टेशन अनसर्टेनिटी से। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी, बिल्कुल ये रैंडम नहीं है कि कभी भी कुछ भी कर दिए। एग्जांपल देता हूं आपको, मारुति सुजुकी ने मान लीजिए कार लॉन्च किया, कार लॉन्च करना है तो कैसे करेंगे, बिना प्रोडक्शन में बिना डिजाइन बनाई, अरे हम कार लॉन्च कर रहे हैं ऐसा बोलेंगे कि नहीं, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले कैसी कार बनाना है उसका प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, डिजाइनिंग होगी, उसके बाद जैसे ही मॉडल रेडी होगा एक कार बना के देखेंगे, उसके बाद ये कितने की पड़ रही है, उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, जब सब सक्सेस हो जाता है ट्रायल एंड ऑल, उसके बाद वो लोग उस कार को कमिंग सून वाली एडवर्टीजमेंट लाएंगे, फिर धीरे से उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च करने के साथ ही कम से कम 2-2,500 कार बना के रखना पड़ेगा, कि जैसे ही बुकिंग्स आई, फिर बुकिंग्स ओपन ऐसा लिखते हैं, फिर बुकिंग आती है, बुकिंग के हिसाब से वो लोग प्रोडक्शन प्लान करते हैं, रॉ मटेरियल्स प्लान करते हैं। तो ये सिस्टमेटा एक ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। एफिशिएंसी ओरिएंटेड मतलब ढीला डाला नहीं, देखता हूँ
कल देखूंगा, आज बुक नहीं करता, ऐसा नहीं होता है, तुरंत इमीडिएट, बराबर है। एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटीज रहती है बेटा। और बिजनेस का कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव? मेन प्रॉफिट। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट की जरूरत है, जैसे लेबर को वेजेस की जरूरत है, कैपिटल को इंटरेस्ट की जरूरत है, लैंड को रेंट की जरूरत है, किराए से रेंट, वैसे ही बिजनेस को प्रॉफिट की जरूरत है। आई बात समझ में? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली चार पांच फॉर्म्स हमको पढ़ना है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं वैसे, लेकिन हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। बिजनेस, सबसे पहले तो बिजनेस ओनरशिप किस तरीके से हो सकती है, इसका मतलब होता है, इट इज द बंडल ऑफ राइट। बेटा जो ओनर रहेगा उसको राइट रहेगा, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या सेल करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या भाव में देना है, कब क्या कैसे करना है, ये सारे अधिकार, डिसीजन मेकिंग के अधिकार किसके पास है? ओनर के पास। क्यों? 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 क्योंकि उसने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर। आई बात समझे? उसके जाने के बाद कौन किसको बिजनेस मिला ये भी वो बता के जाता है विल के अंदर, मेरे जाने के बाद ऐसा ऐसा होना चाहिए। भाई बात समझे? बिजनेस में भी ओन सिंगली और जॉइंटली, दोनों दोनों दोनों, सिंगली भी हो सकता है सोल प्रोप्राइटर, जॉइंटली पार्टनरशिप LLP, कॉर्पोरेट फॉर्म में भी हो सकता है जिसे हम कंपनी कहते हैं, बराबर है ना। ये देखो बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज प्रोप्राइटरी और कॉर्पोरेट कंसर्न, प्रोप्राइटर यानी सोल प्रोप्राइटर, चार पांच को ओनर्स भी रह सकते हैं, हंड्रेड्स लैक्स ऑफ लोग भी ओनर रह सकते हैं। आपको पता है शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, रिलायंस इंडस्ट्री में 30 लाख शेयर होल्डर है यानी 30 लाख ओनर हो गए, इट इज नोन एज कॉर्पोरेट कंसर्न। आई बात समझ में? अब हम एक एक तरह का कंसर्न डिस्कस करेंगे। पहला सोल प्रोप्राइटर, बड़ा आसान है, इजिएस्ट एंड अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। एक आदमी जाहे मर्जी है अपने घर के कोने में सब्जियां खरीद के लाए, सब्जियां बेचे, हो गया सोल प्रोप्राइटर। वीकली बाजार में जाके फुटपाथ पे दुकान लगा दे, हो गया सोल प्रोप्राइटर। लेकिन ये स्मॉल स्केल पे होता है और ये एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं इसको, आप खुद का मालिक, खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैंने खुद को एम्प्लॉयमेंट में रख लिया बेटा, मैं ही सब्जी ला रहा, मैंने ही सब्जी की दुकान लगाई, मैंने सब्जी बेची, सुबह 1000 की सब्जी लाई, शाम तक 1500 की बेच दी, 500 प्रॉफिट कमाया, घर चले गया। सोल प्रोप्राइटर, अपने घर के कोने में शुरू कर दिया बिजनेस, जेरोक्स की दुकान, डेली नीड्स की दुकान, कुछ भी कर सकता हूं मैं, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन है GDP में, यस डेफिनेटली। क्या ये एक्सपोर्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये एम्प्लॉयमेंट देते? हाँ, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये लोग भी। भैया एक आदमी मैंने रख लिया काम पे, एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिया। इनके प्रोडक्ट्स को लोकल कहा जाता है बेटा, इनकी वर्किंग कंडीशन काफी पुअर होती है, हायर एंड फायर पॉलिसी पे काम करते हैं। एम्प्लॉय आज आया नहीं आया, चल कल से काम पे मत आना, हायर एंड फायर। एम्प्लॉय वेलफेयर कुछ नहीं रहता, दिन भर उससे काम करवाते रहते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन से उनको कोई लेना देना नहीं रहता, फुटपाथ पे बैठ जाएंगे, जो करना करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। फेट ऑफ, मतलब इसके अंदर एंटरप्राइज चलेंगी कि नहीं चलेंगी, ओनर पे डिपेंड करता है। ओनर की तबीयत खराब है तो आज दुकान नहीं खुलेंगी, ओनर मर गया तो दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आई बात समझ में? सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल, सोल मतलब इंडिविजुअल होता है। अब ये शुरू बिजनेस कहाँ से करता है? क्या इसको लोग पैसा देते? नहीं, ये खुद की पास जो उसकी सेविंग्स रहती है उससे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? उससे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट होता है। अरे अपने ही पैसे, अपने ही फर्नीचर, अपना सब कुछ अपना, छोटे से बिजनेस, इमेजिन डेली नीड्स शॉप आपके घर के आसपास होंगी, है ना, वो चीज़ यहाँ पे। माइक्रो फाइनेंस वगैरह मिलता है इनके लिए, और प्रॉफिट किसका? प्रॉफिट पूरा उसका रहता है। या फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ मेरिट्स, कुछ डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है? ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वन्स ओन बॉस, मैं मेरी मर्जी का मालिक। विजिबिलिटी ऑफ ओनर, आप अगर शॉप पे जाओगे तो आपको ओनर मिलेगा, ओनर की पर्सनलाइज सर्विसेस आपको मिलेंगी। क्योंकि देखा है, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, नौकर से ज़्यादा मालिक अच्छे से बात करता है, जनरली ऐसा देखा है, क्योंकि मालिक को कस्टमर लूज नहीं करना, उसको प्रॉफिट कमाना है, बराबर है ना। तो आपको ओनर की पर्सनलाइज सर्विसेज मिलती है। फीचर्स दैट आर डीमेरिट, डीमेरिट के अंदर क्या है? कैपिटल लिमिटेड रहेगा, क्योंकि एक ही आदमी, उसके पास तो कैपिटल लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड कैपिटल ही लगा पाएगा वो, यानी कैपेसिटी टू ग्रो, ग्रोथ होना, इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। सोल बेयरर ऑफ रिस्क, पासे उल्टे पड़ गए तो पूरा रिस्क उसको खुद को बेयर करना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी होना बहुत ज़्यादा है, कई बार बिजनेस सफल नहीं हुआ तो लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, एसेट कम हो गए, तो ओनर को पर्सनल एसेट्स भी बेचना पड़ेगा, अपने खुद के घर, जायदाद, बीवी के जेवरात, सब आपको बेचने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा HUF। HUF के बारे में वैसे मैं बहुत लंबा डिस्कशन कर चुका हूँ लाइव क्लासेस में, इसलिए थोड़ा सा अभी आपको बताता हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ फैमिली बिजनेस, फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कैन मुस्लिम्स क्रिएट HUF? नो, ओनली हिंदूज कैन क्रिएट HUF।
और एचयूएफ को सैलरी नहीं मिल सकती क्योंकि एचयूएफ को इंसान तो है नहीं, तो इसलिए बर्खुरदार उसको आप सैलरी नहीं दे सकते, ठीक है। और ये अपने आप होता है जब भी मैरिज होती है और चाइल्ड होता है, मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, एचयूएफ इज बीइंग क्रिएटेड। वैसे तो मैरिज के बाद ही एचयूएफ क्रिएट हो जाता है, चाइल्ड की आवश्यकता पहले थी, अब ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एचयूएफ चाइल्ड जब तक होता नहीं, और कई लोग के दिमाग में तो ये भी फितूर है, जब तक मेल चाइल्ड नहीं होता तब तक एचयूएफ नहीं रहता, ऐसा नहीं है, बराबर है। तो इसके अंदर मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, एचयूएफ इज बीइंग क्रिएटेड। डॉटर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एचयूएफ, ओनली अनमैरिड डॉटर्स, मैरिड जैसे ही हो गई जा भैया। और कितने जनरेशन, 3 सक्सेसिव बेटा यहाँ पे लिखा है, लेकिन ऐसा देखा गया कि 4 जनरेशन है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन आप ये बात ध्यान रखो, इंस्टीट्यूट ने जैसा लिखा है अपने को वैसा पढ़ना है। जैसे पारसीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एचयूएफ, पारसीज आर नॉट कंसिडर्ड एज हिंदूज, लेकिन फिर भी मॉड्यूल में लिखा है, आपको एग्जाम में ये करके चलना है, ठीक है। चलिए, मेंबर ऑफ एचयूएफ एक करता रहता है और बाकी उसके मेंबर्स रहते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। फीचर्स ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ में मेंबर बनने के लिए क्या है, बस उस फैमिली में पैदा हो जाओ, आप एचयूएफ के मेंबर हो गए, है ना। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता है, पार्टनरशिप वगैरह करनी पड़ती है। इजी टू एक्सपांड बिजनेस बिकॉज देयर इज फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज, पूरे परिवार के रिसोर्सेज है, ट्रस्ट कर सकते हैं, आपका फैमिली मेंबर है उस पर ट्रस्ट आप आसानी से कर सकते हैं। और करता हमेशा हर चीज डिसीजन लेता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है। डीमेरिट्स, फैमिली मेंबर ऑटोमेटिकली में पार्ट बन जाए, लेकिन अगर कोई पागल मेंबर पैदा हो गया फैमिली में तो वो भी बिजनेस का पार्ट बन जाता है, तो ये एक तकलीफ होती है। अगर इंसॉल्वेंट हो गया एचयूएफ, यानी लायबिलिटी ज्यादा हो गई, एसेट कम हो गए, तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड मतलब उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेचना पड़ेगा। फेट एज गोइंग कंसर्न, क्योंकि 3-4 जनरेशन तक एक साथ रहना बिना बंटवारे के, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कर्ता मर गया तो क्या होगा, कर्ता मर गया तो नेक्स्ट मेल मेंबर विल बी द कर्ता, ठीक है। और ऐसा भी कुछ नहीं रहा, विल 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 से होता है वैसे, तो वैसे विल नहीं रही तो हिंदू सक्सेशन एक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर आएगी। आई बात समझ में, ये था हमारा बेटा एचयूएफ। अब आएंगे पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है, ये तीनों भी अब हम पढ़ते हैं। विल स्टार्ट विद नाउ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप रहती है, पार्टनरशिप डीड बनती है, बराबर है। तो पार्टनरशिप डीड में चार ए बी सी डी चार लोग मिलकर सोचते चलो भैया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो दिस इज कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप, चारों ओनर है, बराबर है। टू और मोर पर्सन, पार्टनरशिप कितनों के बीच में हो सके, टू और मोर पर्सन क्या करते हैं, वो शेयर प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस इन द बिजनेस, बराबर है। पार्टनरशिप रजिस्टर हो भी सकती है, नहीं भी रजिस्टर हो सकती है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब है। बेटा मुझे जितना समझ में आ रहा है, पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों ने पढ़ी है लॉ के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा उसके ऊपर मैं डिटेल में ले जाऊंगा, जो मेरिट्स डिमेरिट्स आपको थोड़े बताऊंगा, ठीक है। एग्रीमेंट रहती है, 2 से ज्यादा पार्टनर रहे तो फंड रेज करना बड़ा आसान हो जाता है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग के साथ रिस्क शेयरिंग भी होती है, प्रॉफिट भी शेयर होते हैं, लॉस भी शेयर होते हैं। माइनर मेंबर अगर आप एडमिट करते हो तो उसको सिर्फ प्रॉफिट दे सकते हैं, लॉसेस शेयर नहीं होते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्ट्स बिकम वाइड, फर्म बड़ा काम भी कर सकती है क्योंकि लोग ज्यादा है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब वन फॉर ईच का मतलब होता है कि एक आदमी ने जो बोल दिया वो सबके बिहाफ में कह दिया, बराबर है ना। और फर्म के इंटरेस्ट में, कॉमन इंटरेस्ट में वो आदमी काम करेगा, ठीक है। फीचर दैट कैन बी क्लासिफाइड एज डीमेरिट्स, नुकसान क्या है, देयर इज अ कैप ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कितना 100, लेकिन एग्जाम में आए तो बेटा 50 लिखना। कानून में 100 आ चुका है लेकिन नोटिफिकेशन के जरिए फिलहाल 50 ही है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक पार्टनर ने गड़बड़ कर दी तो सबकी बैंड बजेंगी, बराबर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबसे बड़ा ड्रॉबैक, और इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आया, LLP। अनलिमिटेड मतलब जॉइंटली सेवरली, यानी अगर पार्टनर ने गड़बड़ हुई, कुछ लफड़ा हुआ, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स तक को बेचा जा सकता है। फेट एज गोइंग कंसर्न का मतलब, जैसे एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, एक पार्टनर बोलता है नहीं मेरे को तो अब करना ही नहीं है तुम्हारे साथ काम, तो पूरी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। और सक्सेशन ऑफ ओनरशिप इज नॉट ईजी, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इफ अदर पार्टनर परमिट्स। बाकी पार्टनर बोल, जैसे मिस्टर ए बी सी डी चार पार्टनर है, ए बोलता है मेरे बेटे को भी ला लो, तो जब तक बी सी डी एग्री नहीं करते तब तक ए के बेटे को नहीं लाया जा सकता, इसीलिए फेट इज गोइंग। एक पार्टनर भी मर गया तो बाकी लोग बोलते पार्टनरशिप डिड डिसॉल्व करनी पड़ेगी, आपको नई डिड फिर से बनानी पड़ेगी। मान लीजिए ए बी सी डी चार पार्टनर है और डी की डेथ हो जाती है, तो ए बी सी फिर से फर्म बनानी पड़ेगी। आई बात समझ में, इसी का
एक और फॉर्म है एलएलपी। एलएलपी का फायदा ये, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन इस पार्टनरशिप का जैसे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं था वैसे एलएलपी में नहीं है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, इट इज मैंडेटरी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो आरओसी है वही एपेक्स बॉडी है, वही एलएलपी को मतलब उसके अंडर में ही एलएलपी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एलएलपी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, साथ ही साथ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब एक अगर पार्टनर मर भी जाता है तो फर्म बंद नहीं हो जाएंगे, एलएलपी बंद नहीं हो जाएगा। इट इज एक्चुअली हाइब्रिड फॉर्म। किस चीज का हाइब्रिड फॉर्म है बेटा ये? ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और साथ ही साथ कंपनी, इसका हाइब्रिड फॉर्म है, मिक्सचर है। एलएलपी के फीचर्स और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। फायदा, एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी है ही नहीं, तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अरे बहुत अच्छा हुआ, बराबर है ना, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं देर इज लिमिटेड, यानी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, लिमिटेशन था, वो हट गया, यानी उसके अंदर पार्टनर के पर्सनल एसेट बेच डालते थे अगर कुछ कल गलत हुआ तो। यहां पे ऐसा कुछ नहीं, पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी है, कुछ कम ज्यादा हुआ तो पार्टनर को कोई लेना देना नहीं, वो जितनी लाइबिलिटी जितना उसका कैपिटल है उतनी इसकी लाइबिलिटी, बाकी उसको कोई मतलब नहीं। इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी। पार्टनरशिप में कई बार दो नंबर के काम होते थे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते थे, दो नंबर का काम किया खत्म कर दिया, पार्टनरशिप कहाँ गई पता नहीं। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन करे बिना एलएलपी हो ही नहीं सकता, तो ये इसका एक फायदा है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट फॉर्म इज पार्टनर। ये एलएलपी एक अलग चीज है, जैसे कंपनी में आप पढ़ते बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी, सेम वैसा है। मिनिमम टू मैक्सिमम नो लिमिट, पार्टनरशिप फॉर्म में 50-100 वाले लिमिट है जो आपको बताया, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इसको एडमिनिस्टर कर रहा है। स्टैचुटरी कंप्लायंसेस बहुत है, बस एक ही प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है, पार्टनरशिप में कोई स्टैचुटरी कंप्लायंस करने की जरूरत है, किसी को कोई माई बाप ही नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बताना पड़ेगा, बस ये एक ड्रॉबैक है, बाकी कोई ड्रॉबैक नहीं है ना। स्टैचुटरी कंप्लायंस है ना, रिटर्न्स भरना, हर साल का ऑडिटिंग करवाना, सीए को फीस देना, कंपनी को फीस, ये सारे नाटक रहते हैं इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी ओनली एजेंट ऑफ द फर्म, एक दूसरे के प्रति उनकी कोई जवाबदारी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। एबीसीडी चार पार्टनर है, डी पार्टनर ने कुछ कमिट कर दिया तो एबीसी को भी वो चीज माननी पड़ेगी, बिकॉज पार्टनर रिप्रेजेंट फर्म्स एंड ईच अदर, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा एलएलपी यहां कंप्लीट होता है। अब हम आते बेटा कंपनी के ऊपर। कंपनी को बेटा बॉडी कॉर्पोरेट भी कहते हैं, तो इट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, उसे कंपनी कहते हैं। कंपनी के अंदर दो तरह की कंपनी का हमको मतलब पढ़ना है बेसिकली। आजकल तो वन पर्सन कंपनी भी है, या देखा जाए तो ऐसे बोलूं मैं, तीन तरह की कंपनी होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और एक तीसरी होती है ओपीसी, जिसे हम कहते हैं वन पर्सन कंपनी, यानी सिंगल। ये कंसेप्ट अभी कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी अगर सोल प्रोपराइटर चाहे, वन पर्सन सोल प्रोपराइटर यानी कि वन पर्सन, तो वो भी चाहे तो अपनी कंपनी बना सकता है, उसको भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनी बनाने के लिए, बराबर है। कंपनी के अंदर सबसे बड़ा फायदा इसमें एक चीज है कि देर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। देर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, और ओनरशिप अलग है। ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं, बराबर है। और साथ ही साथ कंपनी के जो शेयर्स है वो मार्केट पे लिस्ट होते हैं, अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो भी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है, शेयर्स परचेज सेल होते हैं, कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के बिजनेस वगैरह रहते के बारे में रहता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में, अंडर इंटरनल इंटरनल रेगुलेशन के बारे में रहता है। और कंपनी कैपिटल जो है, सबसे फायदा कंपनी का ये है बनाने का कि इफ यू नीड ह्यूज कैपिटल विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो आपको कंपनी बनानी चाहिए। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप बनाएंगे तो आप पब्लिक इशू ला सकते हैं, पब्लिक इशू लाने से यू कैन कलेक्ट द मनी, यू कैन कलेक्ट द, यू कैन सेल द शेयर्स टू द शेयर होल्डर, जो चाहे पब्लिक को, सॉरी पब्लिक को आप शेयर सेल कर सकते हैं, शेयर सेल करने से आपको पैसा मिलेगा और ह्यूज कैपिटल, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आप जनरेट कर सकते हैं पब्लिक से, जनता से, और उस पैसे से आप बिजनेस करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। स्टेचुटरी ऑडिट आपको कराना पड़ता है अकाउंट्स का, ताकि इन्वेस्टर्स को बराबर अपडेट रहे कि भैया उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है तो कहीं उन्होंने गलती तो नहीं की, मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाए, आई बात समझ में।
अब जो लिस्टेड कंपनी रहती है बेटा, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, उनको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज होती है ये सब स्टॉक एक्सचेंजेस पे होती है। तो जो जो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है उनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो सेबी के रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं, सेबी के कंप्लायंस करने पड़ते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम एक हो जाती है, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बढ़ जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आपको कंप्लायंस करना है तो आपको खर्चा करना पड़ता है, तो एक प्रॉब्लम ये बढ़ जाती है। ठीक है, अब कुछ फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। मिनिमम नंबर मेंबर्स 2 है, इसके अंदर 7 है, तो फॉर्मेशन ईजी हो जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। उसके बाद मैक्सिमम 200 है, मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई मतलब कितने लोगों से भी आप पैसा ले सकते हो, यानी ह्यूज फंड आ जाएगा। रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर में भी फ्रीली ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज वाया लिस्टिंग। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, इसमें अंदर 3, इससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट कंपनीज को इस टाइप की कमिटीज़ नहीं बनानी पड़ती, CSR कमेटी, स्टॉक एक्सचेंज स्टेक होल्डर कमेटी, नॉमिनेशन रेनुमरेशन कमेटी, लेकिन बाकी लोगों को ही कमेटी बनानी पड़ती है। इट कैन स्टार्ट बिजनेस अपॉन इनकॉर्पोरेशन, और लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ेगा, बराबर है। तो ये सब इसके फॉर्मेलिटीज़ थी। तो यहाँ हमारा बेटा फर्स्ट चैप्टर का रिविजन कम्प्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर पर। सेकेंड चैप्टर का नाम है बेटा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस किस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, तो बेसिक चैलेंज हर बिजनेस के लिए रहता है, कोई भी कंपनी के लिए रहता है, एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। प्रॉस्पर यानी बढ़ते रहना और एबिलिटी टू चेंज, ठीक है, इस सब चीज़ों में मैं नहीं आऊँगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे बिजनेस फर्म है, तो इसका जो एनवायरनमेंट इंटरनल के अंदर, तो भाई एम्प्लॉयज़ हो गए, ओनर्स हो गए, ये सब लोग तो इंटरनल है। एक्सटर्नल में कौन रहेगा? क्रेडिटर्स, डेटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, ये सब लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा फोकस करते हैं। कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, मल्टीफेसेटेड है, फार रीचिंग इंपैक्ट है। कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आजकल मोबाइल फोन आ गए, पहले म्यूजिक सिस्टम चलता था, अब मोबाइल फोन के आने से म्यूजिक सिस्टम चलना बंद हो गया। कंप्यूटर के आने से बुक्स बिकना बंद हो गई, लोग आजकल आईपैड कंप्यूटर पे ही पढ़ लेते हैं। डायनामिक है, पहले काफी पुराना एग्जांपल है वैसे तो ये, लेकिन पहले म्यूजिक सीडी बिकती थी, आज कोई ट्यून्स अगर आपको गाने सुनने, म्यूजिक सीडी बिकती थी, लेकिन आजकल वो सब नहीं है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हो। डायनामिक, जल्दी जल्दी चेंज होता है। मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड यानी बहुत सारी चीज़ें, शेप, साइज, परसेप्शन, ऑब्जर्वर, किसी को LED पसंद, किसी को LCD पसंद। सबसे पहले याद आप करेंगे तो प्लाज्मा टीवी आता था, प्लाज्मा टीवी के बाद LCD आया, LCD के बाद LED आया, फिर 3D टीवी आ गया। तो मल्टीफेसेटेड है, बहुत फटाफट चेंज होता है, अलग अलग वे है, और फार रीचिंग इंपैक्ट, कोई भी डिसीजन आप आज लो तो उसके फार रीचिंग इंपैक्ट है। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप टेक्सटाइल में था, फिर सीमेंट में भी आए, फिर फाइनेंशियल सर्विस में भी आए, फिर टेलीकम्युनिकेशन में भी आए। तो ये बराबर उस चीज़ में अपने आप को ढालते रहते हैं, बराबर है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत फार रीचिंग होता है बेटा, यानी कोई भी आप डिसीजन आज लेते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाने वाला है। अब इम्पॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्यों हमको एनवायरनमेंट की स्टडी करना है? क्योंकि एनवायरनमेंट से ही अपॉर्चुनिटी आएंगी, एनवायरनमेंट से ही थ्रेट आएंगी। कोई अच्छा सप्लायर मार्केट में घूम रहा है, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ग्रैब करो, बाहर से ही आएगा सप्लायर। तो थ्रेट, कोई कॉम्पिटिटर आ गया आपका, आपके सामने दुकान लगा दी उसने, ये हो गया थ्रेट, बाहर से आएगा, ये पता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ कौन से एरिया में आपको करना है, ये भी एनवायरनमेंट से पता चलता है। कंटिन्यूस लर्न आप करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट से, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, ये कंटिन्यूसली अपडेट आपको अपना नॉलेज करना पड़ेगा। इमेज बिल्डिंग के काम में आता है, इमेज बिल्डिंग, ये भी एनवायरनमेंट से होता है। एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग अगर आप सही कर लेते तो आप अपनी इमेज बिल्ड कर लेते हो। मारुति सुजुकी ने शॉर्टेज ऑफ पावर में अपना कैप्टिव कंजम्पशन, यानी पावर प्लांट, खुद के कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन के लिए कैप्टिव पावर प्लांट डाल दिया, जिसके अंदर एक अच्छी इमेज उनकी बिल्ड हो गई कि भैया देखो कितनी बड़ी कंपनी है, पावर का शॉर्टेज था, तुरंत पावर प्लांट डाल दिया। मीटिंग कॉम्पिटिशन, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर तो एनवायरनमेंट में ही है। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के अंदर क्या रिलेशन है बेटा? एनवायरनमेंट से ही रिसोर्सेस आते हैं, एनवायरनमेंट से ही इंफॉर्मेशन आती है, जाती है और इन्फ्लुएंस करती है। चलिए आपको थोड़ा सा बताता हूँ।
पहले मैं बात करूंगा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की, किसी भी की तरह की इंफॉर्मेशन हो, मार्केट कंडीशन की, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, सोशल इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल, ये सारी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आती है और वो इंफॉर्मेशन के कारण आपको प्लानिंग करने में, आपके रेवेन्यू जनरेट करने में बड़ी मदद मिलती है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन और डेटा में फर्क होता है। गवर्नमेंट ने न्यू व्हीकल लॉ चेंज किया, ये ऑटोमोबाइल वाले के लिए इंफॉर्मेशन हो गई। मान लीजिए एमिशन स्टैंडर्ड्स में कुछ चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, तो ऑटोमोबाइल वाले के लिए इंफॉर्मेशन है, लेकिन बिस्किट मैन्युफैक्चरर के लिए डेटा है, नॉर्मल डेटा। तो एवरी डेटा कैन नॉट बी इंफॉर्मेशन। डेटा तो बहुत घूम रहा है एनवायरमेंट में, लेकिन आपके काम का क्या है? अरे बिस्किट में शक्कर कितनी डालना, ये ऑटोमोबाइल वाले के काम का नहीं है, और एवरेज कितना ज्यादा होए, ये बिस्किट वाले के काम का नहीं है। आई बात समझ में? तो डेटा तो बहुत है एनवायरमेंट, लेकिन आपके काम का जो रहे उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। आई बात समझ में? एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कहां से लाएंगे? बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, मैन, मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल, ये सब कहां से आते बेटा? बाहर से ही आएंगे, बराबर है? तो ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, बराबर है? आउटपुट, अच्छा साथ ही साथ जो आप इनपुट, देखिए रॉ मटेरियल, मैन मटेरियल, लेबर, ये सब तो बाहर से आया ही आया, लेकिन आउटपुट आपने बनाया इंटरनल अपने फैक्ट्री में, बेचोगे किसको? बेचने के लिए भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लगेगा, कस्टमर है, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक, बहुत 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 सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है भैया। एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, इन्फ्लुएंस और पावर, ये सारी चीजें भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है, बराबर है? इसके अंदर जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो पतंजलि ग्रुप का एग्जांपल बहुत अच्छा रहेगा। अभी पतंजलि ग्रुप के अंदर आजकल एफएमसीजी के अंदर बहुत बड़ा प्लेयर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, पीएनजी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब क्या हो गया, पतंजलि को भी रिकग्नाइज करते हैं लोग, और मार्केट में पतंजलि के रहने से बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है, इनके सेल्स पे ह्यूज अफेक्ट हुआ है, वो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। तो इसे एक इमेज कह सकते हैं आप, एक्सचेंज इन्फ्लुएंस एंड पावर, मतलब एनवायरमेंट से पतंजलि वाले अपना इन्फ्लुएंस जता दिखा रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, दूसरे को अफेक्ट होता है। अरे हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए पतंजलि कॉम्पिटिटर है और वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में बैठा है, और वो एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस और पावर छोड़ते जा रहा है, छोड़ते जा रहा है, तो उसको, आपको हिंदुस्तान लीवर को अफेक्ट होते जा रहा है। आई बात समझ में? अब ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ये भी है तीन तरह का, ये बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तीन तरह का रिस्पॉन्स कैसा, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, एक होता है कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स, एक होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स, तीनों चीज अलग अलग है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से कुछ तो भी आ रहा है, उसका आप रिस्पांस कैसे करेंगे? एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस, कागज पे सब कुछ करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोएक्टिव हो या रिएक्टिव हो, बजट वगैरह वगैरह, या आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कर रहे हो। आई बात समझ में? ये चीज आप एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर करते हो तो इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स कहते हैं। आई बात समझ में? और बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव में बजट बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस डिस्कस करना, ये सारी कई सारी चीज़ें भी आती हैं। इसके बाद होता है कॉम्पिटिटिव रिस्पांस। कॉम्पिटिटिव रिस्पांस का मतलब होता है ये फॉर प्रॉफिट फर्म, मतलब प्रॉफिट फर्म के लिए भी रहता है, नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रहता है। जैसे BSNL Jio का कॉम्पिटिशन है, अब BSNL गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन उतना प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते वो लोग, मतलब पब्लिक वेलफेयर भी उनका ऑब्जेक्टिव है। इंडियन रेलवेज है ना, ये प्रॉफिट के लिए भी है लेकिन उतना नहीं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स बराबर दे रहे हैं। और एक होता है कलेक्टिव, दोनों का मिलके कलेक्टिव रिस्पॉन्स, ज्वाइंट वेंचर। बेस्ट एग्जाम्पल है जियो को कॉम्पीट करने के लिए वोडाफोन आइडिया एक आ गए, इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स, VI ना सुना होगा ना, वोडाफोन आइडिया, ऐसा कुछ तो भी उन्होंने बनाया है, बराबर है? तो ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स। चलिए इसके आगे आएंगे बेटा, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और बिजनेस, ये सब ऐसा कुछ खास नहीं है। फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड, ठीक है ये भी कोई विशेष नहीं। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्यों करना पड़ता है, तीन बेसिक गोल रहते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। करेंट चेंजेस, करेंट एंड पोटेंशियल चेंजेस, यानी अभी करेंट क्या चेंजेस है और पोटेंशियल क्या चेंजेस है, ये आपको पता करने पड़ेंगे।
है ना। एनवायरमेंट एनालिस्ट शुड प्रोवाइड इनपुट्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, एनवायरमेंट एनालिस्ट शुड फैसिलिटेट एंड फॉस्टर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली रिच सोर्स ऑफ आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग कंटेक्स्ट विद इन विच द फर्म ऑपरेट, और करेंट विजडम से आगे क्या करना है, फ्रेश नए व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं। एक और टॉपिक है बेटा एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है एनवायरमेंट से जो भी इनपुट्स आते हैं उसको स्कैन कीजिए, उसके अंदर आपके स्कैनिंग स्ट्रेटेजिज और इंटरनल फैक्टर्स हैं ये सब इसके अंदर आप डालिए। उसके बाद एनवायरमेंटल चेंज आपके काम का है क्या, काम का है तो स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए, काम का नहीं है तो वापस एनवायरमेंट में भेज दो, काम खत्म। ठीक है, अब इसमें चार चीज़ें हैं, इवेंट्स, क्या ऐसा हो गया जिसके कारण आपको चेंज करना पड़ रहा, क्या आज ट्रेंड है मार्केट में क्या आपको चेंज करना है, इश्यूज क्या है, बराबर है, करंट इश्यूज क्या है, करंट इवेंट ट्रेड क्या है, कौन सा इशू डिफिकल्ट है, और एक्सपेक्टेशन यानी जिसको आप गुड्स बेचते हो, जो ग्रुप आप में इंटरेस्टेड है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो चाहे क्यों कोई भी हो, उनकी क्या डिमांड्स है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सब आपको पूरी करना पड़ता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सब विशेष कोई काम का नहीं। इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या, इंटरनल यानी मैंने आपको बताया अंदर का, एक्सटर्नल यानी बाहर का। बाहर में दो चीजें, एक माइक्रो नजदीक वाले, एक मैक्रो बहुत दूर वाले। उसके पहले हम पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसका एनालिसिस करना। आपको अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है पता करना है। मिनिमाइजिंग इंपैक्ट ऑफ वीकनेस, आपको अपने वीकनेस का इंपैक्ट कम करना है। अपॉर्चुनिटीज जो एक्सटर्नल आती है उसको कैपिटलाइज करना है, और थ्रेट भी उसको न्यूट्रलाइज करना है। स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस बेटा इंटरनल रहती है, और अपॉर्चुनिटी से थ्रेट एक्सटर्नल रहती है। तो एनवायरनमेंट में फिर दो पार्ट हो गए, वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर बात करें तो माइक्रो यानी नजदीक वाले तो स्ट्रेंथ वीकनेस, और मैक्रो यानी बाहर वाले अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये बाहर से आती है। आई बात समझ में? अब माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं बेटा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके अच्छे से। अभी मैं आप लोगों को ये ज्यादा डिटेल के अंदर हम मतलब मैं आपको एग्जांपल से ये समझा देता हूँ, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट एक एक एलिमेंट मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ, एक एक पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। माइक्रो में कौन है, कस्टमर है नज़दीक वाला, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ओनर्स है और आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मार्केट जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो वो कैसा मार्केट है, इंटरमीडियरी यानी मैन्युफैक्चरर और मार्केट, आप तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो और मार्केट में जाने के बीच में इंटरमीडियरी कौन है, ये सब नज़दीक वाले बेटा आपके, समझ लेना, ये सगे रिश्तेदार, और माइक्रो यानी सौतेले दूर वाले रिश्तेदार, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट में और कौन कौन डील कर रहा है, सप्लायर्स, अगेन आपके सप्लायर्स कौन है, तो ये सारे आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर सच समझाने जैसा कुछ नहीं, ठीक है। अब थोड़ा एक एक एनवायरनमेंट मतलब ये तो है सिंपल है, लेकिन एक एक थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा लेवल पे पाँच दो दो तीन तीन मिनट डिस्कशन में कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए पहले माइक्रो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कस्टमर, एक बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, पीटर ड्रकर का स्टेटमेंट याद रखो। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, एम ऑफ बिजनेस टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। बेटा कस्टमर अलग है, कंज्यूमर अलग है, चीज समझ लेना। कस्टमर यानी वो जो प्रोडक्ट के लिए पे कर रहा है, कंज्यूमर यानी वो एक्चुअल खा रहा है। और एक चीज और, कंज्यूमर ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजिशन इन मार्केटिंग। पीटर ड्रकर बोलता है सेटिस्फाई किसको कर रहा है, रिटेन एंड सेटिस्फाई कस्टमर, और सेंट्रल पोजिशन कौन ऑक्यूपाई रहा है, कंज्यूमर। बेटा इस पे क्वेश्चन आने के चांस है, हु ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजिशन इन मार्केटिंग एनवायरमेंट, कंज्यूमर। मार्केटिंग वाले कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेंगे, आप समझ लेना। छोटे बच्चों के टॉयज के लिए छोटे बच्चों की एडवर्टीजमेंट आती है, तो छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उस टाइप की एडवर्टीजमेंट दी जाती है, तो मार्केटिंग वाले तो कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया। लेकिन पीटर ड्रकर के हिसाब से आपको कस्टमर का काम, बिजनेस का काम है कस्टमर को रिटेन करना, क्योंकि आफ्टरऑल पेमेंट तो कस्टमर देगा। अपने एक पापा ने अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लाया, तो कस्टमर पापा हुए, कंज्यूमर वो बेटी हो गई। कौन आपके कस्टमर कंज्यूमर है, क्या बेनिफिट वो चाहते हैं, क्या उनके बाइंग पैटर्न्स है, सब आपको देखना है। कॉम्पिटिटर्स अगेन समझाने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कौन आपके कॉम्पिटिटर है, क्या उनकी स्ट्रेटेजीज है, कौन सबसे एग्रेसिव है, कौन सबसे पावरफुल है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन यानी यहाँ पे इंटरनल बात आ गई, आपके ओनर्स कौन है, क्या आप इंडिविजुअल हो, क्या आप शेयर होल्डर्स भी आपके ओनर्स हैं,
है ना, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो होता है क्या, वो बराबर काम कर रहे हैं शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, कौन आपके एम्प्लॉयज है, यही लोग है जो एक्चुअली वर्क करते हैं, बराबर है, तो क्या उनकी बिलीफ है, क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। मार्केट, मार्केट यानी आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो उसका मार्केट कैसा है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस के कम जाने से मार्केट में चेंज आता है क्या, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आईटी मार्केट की बात करें तो रोज टेक्नोलॉजी चेंज होती है, मोबाइल मार्केट की बात करें तो रोज टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनका बहुत अनसर्टन है बेटा, रोज चेंज होता है, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, क्या मार्केट मैच्योर है, मैच्योर यानी भैया कम मैच्योर हो चुका है तो आप अब उसमें उतर के कोई फायदा नहीं, अगर मैच्योर होने का है तो आप अब उसमें और उतर सकते हैं। सप्लायर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपके सप्लायर कौन है, क्या वो आपको बराबर गुड सप्लाई कर पाते हैं, क्या आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर पाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर है। सप्लायर्स के अंदर देखिए आप ऐसा देख सकते हैं, कई बार आप ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरर कोई रहता, मार्केटिंग कोई और करता, जैसे पार्ले हर बिस्किट मैन्युफैक्चर नहीं करता, मैन्युफैक्चर्ड बाय पार्केट बाय, अब ये मार्केट मैन्युफैक्चर तो कोई और कर रहा है, तो ये हो गया पार्ले का सप्लायर, और मार्केटिंग कौन कर रहा है उस पर, पार्ले जी नाम चढ़ा के पार्ले बेच रहा है, आई बात समझ में, ये देखिए यहां लिखा हुआ है सब वैसे। इसके बाद इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज यानी आपका प्रोडक्ट कौन बेच के दे रहा है मार्केट में। देखिए बेटा इसके अंदर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप दो दुकान पे जाते हैं और प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट ए वाला डीलर को 20% मार्जिन देता है, 20% प्रॉफिट देता है, कमीशन देता है, और प्रोडक्ट ए वाला ओनली 10% कमीशन देता है, तो एक चीज ध्यान रखना, जो दुकानदार है वो हमेशा प्रोडक्ट ए का ही गुण गाएगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है बहन जी ये ले जाइए, और आधे से ज्यादा कस्टमर दुकानदार की बात सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट है वो दुकानदार पे, इसीलिए जिस इंटरमीडियरी अगर खुश रहेगा तो आपका सेल अच्छा रहेगा हमेशा, आई बात समझ में, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं बेटा एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट है, टोटल 8 पार्ट है मैक्रो में। एक है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक यानी जिस एरिया में आप रह रहे हो उसका कौन सा, किस टाइप का पॉपुलेशन है, किस टाइप के लोग रहते हैं, क्या एज है, क्या सेक्स रेशियो है, क्या एजुकेशन है उनका, क्या मतलब ये सारी चीजें, भाई बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं तो आपको दवाइयाँ की दुकान ज़्यादा वहाँ दिखनी चाहिए, चिल्ड्रंस ज़्यादा रहते हैं टॉयज़ की दुकान दिखेंगी, स्कूल है तो सामने स्टेशनरी की दुकान होंगी, आई बात समझ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज पे, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन पे, इथनिक मिक्स, इथनिक मिक्स यानी किस टाइप के लोग रहते हैं, इसमें मैं जनरली शैम्पू के बॉटल का एग्जांपल देता हूँ, हॉस्टलाइट एरिया है तो शैम्पू के पाउचेस बिकेंगे, झोपड़पट्टी एरिया है तो शैम्पू के पाउचेस बिकेंगे, अमीर लोग रहते हैं कॉलोनी है तो शैम्पू की बॉटल्स बिकेंगी, कारण सिंपल है भाई हॉस्टल के अंदर तो पाउचेस ही चलेंगे, वैसे भी उनके पास स्टूडेंट्स के पास पैसे ही कमी रहती है, कोई और ना लगा ले शैम्पू, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इसके बाद बेटा बात आती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, ये बहुत जरूरी है, सेविंग पैटर्न कैसा है आपके कंट्री के अंदर, अगर लोग ज़्यादा सेव करते हैं तो खर्चा करेंगे, अगर सेविंग पैटर्न ही नहीं है, दे आर कंज्यूमिंग, दे आर जो भी अर्न कर रहे पूरा कंज्यूम कर रहे हैं, तो लोगों के पास सेविंग्स नहीं है, तो ये परचेसिंग पावर इससे कम ज़्यादा होती है, अगर परचेसिंग पावर लोगों की कम है तो आपको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, परचेसिंग पावर अच्छी है तो लोन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर चलेगा, इस टाइप की चीज़ें बेटा इसके अंदर आती है। इसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये समझाने की जरूरत है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, कैसी आपकी इकोनॉमी चल रही है उसके ऊपर है ये, इकोनॉमिक कंडीशंस फैक्टर यानी आपका अभी इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है मार्केट में, आपका क्या इंटरेस्ट रेट क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, इन्फ्लेशन है क्या, ये सारी चीज़ें जो हमने देखा था, कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन पीक ट्रॉफ उस टाइप का इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक पॉलिसी आपके कंट्री में किस टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसी, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है, आपकी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज पे भी डिपेंड करती है सारी चीज़ें, ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल लीगल, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करती है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, लीगल एनवायरनमेंट भी बहुत फर्क पड़ता है, जैसे इंडिया के अंदर लीगल एनवायरनमेंट सबसे बेकार है, मतलब कोई चेक अगर बाउंस होता है तो लीगल सिस्टम में जाते हैं अगर आप कोर्ट्स में तो आपको 5 साल लग जाते हैं साबित करने के लिए आपका पैसा मिलने के, बराबर है। और लीगल एनवायरनमेंट ये भी आता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, बिहार यूपी में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा मतलब ऐसा डर लगता है बिजनेस वालों को, बराबर, आजकल तो खैर वो बात नहीं रही, पहले लेकिन ऐसा होता था काफ़ी साल पहले, आज से 10-15 साल पहले इंडस्ट्रीज जो है महाराष्ट्र वगैरह में ज़्यादा फ्लरिश होती थी, गुजरात में फ्लरिश होती थी, क्योंकि वहाँ पे वो गुंडा राज वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन बिहार यूपी में उनको डर लगता था, तो ये होता है लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, आई बात समझ में।
सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ये भी बहुत जरूरी है समझना। जैसे वेस्ट बंगाल जाएंगे तो दुर्गा पूजा के टाइम पे वो लोग सबसे ज़्यादा खरीदी करते हैं, सोशियो कल्चरल वहाँ कल्चर है। दिवाली के टाइम इंडिया में इसका कपड़ों का सेल ज़्यादा होता है, तो ये सब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। भैया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि दिन ब दिन लाइफ और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या क्या करना पड़ेगा बिजनेस को, टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें, ये सब पीपल को टेक्नोलॉजी मिल रही है क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर बढ़ता है, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन में चेंज आता है, कैपिटल की डिमांड, बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें आती है, हम ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। ग्लोबल एनवायरनमेंट यानी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। ग्लोबल एनवायरनमेंट से आपके बिजनेस को क्या अफेक्ट होगा, बेस्ट एग्जांपल अभी चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया, इंपोर्ट कम हो गया, काफी बंद नहीं बोल सकते, काफी कम हो गया था कोविड के कारण। तो इससे अगर आपका बिजनेस यही था कि आप चाइना से इंपोर्ट करते थे इंडिया में बेचते, तो आपके बिजनेस की तो बैंड बज जाएंगे। आई बात समझ में, आप अमेरिका में हो और ट्रेड वॉर चालू है अमेरिका और चाइना के बीच के अंदर, और अचानक अमेरिका डिक्लेयर करता है कि आज के बाद ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ये प्रोडक्ट सॉरी आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, या उस पर हैवी ड्यूटी लगा देते, तो आपका बिजनेस तो रातों रात बैठ जाएगा, या आपके प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव हो जाएंगे कि कोई खरीदेगा नहीं। तो और बहुत सारी चीज़ें, पॉवर्टी है, ग्रोथ है, मतलब काफ़ी सारी ग्लोबल चीज़ें यहाँ पे आती है। इसके बाद बेटा एक छोटा सी चीज़ आती है जिसको पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। पेस्टल एनालिसिस नथिंग बट जो अभी आपको बताया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मिक्रो एनवायरनमेंट का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। अब इसमें एक बात बेटा ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, जैसे PEST, इसमें ई का मतलब क्या है आपको पूछेंगे, तो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ई ई मतलब इकोनॉमिक भी है, ई मतलब एनवायरमेंटल भी है, तो ये बात ध्यान रखना, इस आपको पहला जो है ई वो इकोनॉमिक का है, दूसरा ई एनवायरमेंटल का है। और अच्छे से ध्यान रखने के लिए, इकोनॉमिक ई सी से शुरू होता है, एनवायरमेंटल ई एन से शुरू होता है, सी पहले आता है, एन बाद में आता है अल्फाबेट्स के अंदर। तो इस तरीके से आप इसको और ध्यान में रख सकते हो। तो यहां हमारा पेस्टल भी कंप्लीट कर सकते हैं, सेम है बेटा। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जरा इस पे ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है, अब आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। एक होता है बेटा लीस्ट रेजिस्टेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता सोए है, BSNL जैसे एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, 2G का 3G आ गया, 4G आ गया, BSNL वाले वैसे के वैसे बैठे, कस्टमर्स जा रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है। वो जागे कब, वो तब जागे जब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आई और धर धर लोगों ने नंबर चेंज करा के प्राइवेट ऑपरेटर्स में चले गए। ये दूसरा होता है प्रोसीड विद कॉशन, एयरटेल जैसे, भैया एनवायरमेंट चेंज हुआ उसकी पूरी स्टडी करो, किस तरफ एनवायरमेंट जा रहा है, हमने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक्सेट्रा, पूरी स्टडी करके उसके बाद चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे। एयरटेल डायनेमिक रिस्पॉन्स, जैसा चेंज हो गया हम भी चेंज हो जाए। एमएजेट वोडाफोन जैसे, वो लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, धर से एनवायरमेंट चेंज हुआ इमीजिएट हम भी चेंज कर देते, इसे कहते हैं डायनामिक। आई बात समझ में, चलिए। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। थर्ड चैप्टर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, थर्ड चैप्टर में तो पढ़ाने जैसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा फोर्थ चैप्टर पे। ठीक है, फोर्थ चैप्टर पे एक पब्लिक पॉलिसी चैप्टर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको 15 मिनट लगेंगे, इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है, मैं सिर्फ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फोर्थ चैप्टर में वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज निकालते रहती है, हिस्टोरिकल स्ट्रेच इसमें हम जाएंगे नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बेटा ये आपको पता है क्या होता है, पॉलिसीज का मतलब आपको पता है क्या होता है। हाँ, नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी जरा समझना, पब्लिक पॉलिसी आर ऑल गोल ओरिएंटेड, कुछ तो भी ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे जनधन योजना लाई गवर्नमेंट ने, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका कि भैया हर आदमी का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और ये पब्लिक पॉलिसी जो है ना ये गवर्नमेंट की कलेक्टिव एक्शन का नतीजा है, मतलब गवर्नमेंट कलेक्टिव एक्शन बहुत सारे लेती है फिर जाके पब्लिक पॉलिसी निकलती है। जैसे हमारा लीगल सिस्टम आप देख लो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जजेस है, पुलिस है, ये सब जब तक कलेक्टिवली काम नहीं करेंगे तब तक पूरा जुडिशियल सिस्टम नहीं चलेगा, इसे कहते हैं बेटा कलेक्टिव आउटकम। लॉ बनता है, ऑर्डिनेंस पास होते हैं, कोर्ट डिसीजन देती है, और ये सारी चीजें भी पब्लिक पॉलिसी का पार्ट कहा जाता है, बराबर है। तो पॉलिसी सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, फिर वो पॉलिसी अडॉप्ट होती है, फिर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। अडॉप्शन के अंदर आपको पता है लोकसभा राज्यसभा में सब कुछ पास करना पड़ता है, पहले कैबिनेट पॉलिसी जो मिनिस्ट्री रहती है वो पॉलिसी बनाती है,
कैबिनेट मंजूरी देता है, लोकसभा राज्यसभा पास होता है, पॉलिसी प्रेसिडेंट साइन करते हैं, लॉ वगैरह, और उसके बाद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सब, इसमें हालांकि लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी के अंदर चेंजेस भी हर साल अमेंडमेंट भी होते हैं, इवेल्युएट किया जाता है। जीएसटी को ही देख लो, जीएसटी के अंदर जीएसटी की ज़रूरत क्यों थी, फिर जीएसटी बिल पास कराया गया, फिर इम्प्लीमेंट हुआ, फिर हर साल उसमें चेंजेस भी होते हैं, फिर से कोई जो चेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर से उसके अंदर चेंजेस होते हैं, साइकिल चलती रहती है बेटा। आई बात समझ में? अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ये लॉ बनाने की बात यहाँ लिखी हुई है। हाँ, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी और फैसिलिटेटिंग पॉलिसी, ये तीनों को मतलब समझना जरूरी है। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी मतलब कोई भी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लाना, कोई भी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लेके आना। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में बेटा पर्टिकुलरली क्या होता है, अगर ध्यान से हम समझे चीज को, तो गवर्नमेंट को अगर कोई चीज को रिस्ट्रिक्ट करना है, कोई चीज का यूज को रिस्ट्रिक्ट करना है, एग्जांपल के लिए चाइनीज प्रोडक्ट का यूज का रिस्ट्रिक्शन करना है गवर्नमेंट को, तो ऐसी बैन नहीं कर सकते। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, पॉलिसीज लाती है। क्या पॉलिसी लाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, इस टाइप का कुछ तो भी करके, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से प्रोडक्ट महंगा हो गया, वो प्रोडक्ट महंगा हो गया तो इंडिया में महंगा हो जाएगा, और कंपैरेटिवली इंडियन प्रोडक्ट जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो सस्ते हो जाएंगे उसके कंपैरिजन में, तो उससे क्या फायदा होगा, सेल इंडियन प्रोडक्ट का ज्यादा होगा। आई बात समझो? फिर होता है बेटा रेगुलेटरी पॉलिसी। अगर रेगुलेटर, फैन में रेगुलेटर नहीं रहे तो फैन अपनी स्पीड से चलेगा, वैसे ही अगर अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट अगर रेगुलेशंस नहीं बनाए तो वो अपनी मनमानी करेंगे। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA बना है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए SEBI बना हुआ है, तो ये सारे अलग अलग रेगुलेटर्स हैं। RBI बना है बैंकिंग रेगुलेट करने के लिए। आई बात समझो? तो ये अलग अलग रेगुलेटर्स हैं जो कंज्यूमर के, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। फिर होती है फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट चाहती है स्मॉल बिजनेस अच्छे से ग्रो होना चाहिए, फार्मर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग, जैसे नाबार्ड बनाया फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटर है बिजनेस फार्मर्स को, आपके माइक MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फैसिलिटेट करने के लिए भी एक और चीज़ बनाई है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती रहती है, ठीक है। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी तो है ये इसमें तो पूरा वही पूरा इतिहास लिखा हुआ है भारत का, FDI वगैरह। हाँ, मैं आता हूँ काम की चीज पे। रेगुलेटरी पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, यानी किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, जैसे LPG सिलेंडर की बात कर लो, बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे अनाज फ्री में दिया था, तो किसको दिया, BPL कार्ड होल्डर्स को दिया, अपने जैसे को थोड़ी मिला, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को मिला, ठीक है, जिसको उसकी जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इन चार चीजें जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला, इस पे आप समझ लीजिए एक ना एक क्वेश्चन आएगा। ये है डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। बेटा इसको अच्छे समझ लो। डेलीगेशन और डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, गलती होती है डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में, बच्चे गलती करते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करो, प्लीज ध्यान से सुनना। डेलीगेशन, डेलीगेशन यानी किसी को डेलीगेट कर देना, किसी को दे देना, जैसे गवर्नमेंट के पास कोई चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, रेलवे के अंदर कैटरिंग सर्विसेज राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में दी जाती है, पहले गवर्नमेंट देती थी ये चीज, अब गवर्नमेंट ने ये अपना काम, रेलवे में क्लीनिंग वगैरह का भी काम, कैटरिंग सर्विसेज वगैरह का काम गवर्नमेंट ने किसी को डेलीगेट कर दिया, कोई प्राइवेट वाले को डेलीगेट कर दिया, भैया ये काम तेरे को करना है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्रेंचाइजी दी जाती है, ग्रांट दी जाती है, वे तेरे को ग्रांट कर देते हैं। आई बात समझे? ये होता है डेलीगेशन, यानी गवर्नमेंट होल्ड तो रखेंगे अपना, लेकिन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है किसी और को। दूसरा होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को हटा के उसकी जगह खुद आ जाना। BSNL टॉप पोजीशन पे था, अब गवर्नमेंट की कंपनी थी, इसको प्राइवेट वालों ने डिस्प्लेस कर दिया, टॉप पोजीशन ने हटा के लास्ट पोजीशन पे ला दिया, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये तो दो ठीक है, अब दो चीज बड़े ध्यान से सुनना बेटा, एक होता है डाइवेस्टमेंट, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट को एक बार मैं पढ़ता हूं,
गवर्नमेंट सरेंडर पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्स मेजोरिटी स्टेक टू वन और मोर प्राइवेट एंटरप्राइज. इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट, चीज समझना बेटा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरेंडर कर रही है और साथ ही साथ ओनरशिप भी सेल कर रही है वन और मोर प्राइवेट एंटिटीज को. तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन प्राइवेट एंटरप्राइज टू प्राइवेट पार्टीज. चीज समझ लो, डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने किसी तो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट का सिर्फ इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट वहां पे पंचायती नहीं करती थी, यानी वो डिसीजंस नहीं लेते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट की, सिर्फ शेयर्स खरीद के रख लिए इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स है, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट में गवर्नमेंट पंचायती करती है, नहीं, कुछ नहीं करती, शेयर्स है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है. कल गवर्नमेंट अगर 10,000 शेयर्स बेच देती अपने, उसे मैं डिसइन्वेस्टमेंट कहूंगा. तो डाइवेस्टमेंट क्या होता है, डाइवेस्टमेंट में गवर्नमेंट के पास शेयर्स तो है ही है, साथ में गवर्नमेंट की पूरी पंचायती भी चलती है ना, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में है. जैसे मारुति सुजुकी लिमिटेड, उसके अंदर आज नहीं है ऐसा, लेकिन पहले मारुति सुजुकी लिमिटेड में एक समय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज द ओनर एंड सुजुकी ऑफ जापान वॉज द ओनर, दोनों 50-50 ओनर थे और गवर्नमेंट वॉज होल्डिंग ओनरशिप एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन द मारुति सुजुकी लिमिटेड. उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी पंचायती खत्म कर दी, भैया हम छोड़ रहे पंचायती, साथ ही साथ हम जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है ये आपको बेच रहे हैं, इसे कहेंगे डाइवेस्टमेंट. आई बात समझ में. इसके बाद एफडीआई इन इंडिया, एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसके अंदर ये चीज आपको ध्यान रखना मस्ट है. कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसमें एफडीआई प्रोहिबिटेड है अंडर बोथ द गवर्नमेंट रूट एज वेल एज ऑटोमेटिक रूट. बेटा एक गवर्नमेंट रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है जो आरबीआई वाला रूट होता है. आई बात समझ में. ये देखिए ये यहां पे है. सबसे पहले तो FDI और FII क्या होता है ये आपको बताता हूं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है, वैसे मैं क्लास में कई बार बोलता हूं, FDI जो है ये आपकी वाइफ है और FII आपकी गर्लफ्रेंड है. गर्लफ्रेंड कभी भी छोड़ के जा सकती, वाइफ छोड़ के जल्दी से नहीं जा सकती, लंबा काम रहता है वो, बराबर है. एफडीआई के अंदर बेटा ये देखा गया है, कोई भी कंपनी यहां आती है, जमीन ढूंढती है, फैक्ट्री ढूंढती है, फैक्ट्री सेटअप करती है, एम्प्लॉयज को काम पे रखती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करती है, इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके पास ह्यूज कैपिटल है, वो हमारे कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न कमाते हैं, चले जाते हैं. स्टॉक मार्केट में जब तक कमाई दे रहा है, जब तक अच्छा फ्लरिश कर रहा है, तब तक वो हमारे साथ रहेंगे, और जैसे ही स्टॉक मार्केट हमारा बेकार हो जाता है, वो अपना पैसा निकाल के चले जाएंगे. गर्लफ्रेंड, जब तक आपके जेब में पैसा है तब तक ठीक है, पैसा हट गया तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएंगी, सिंपल सी बात. अब एफडीआई के अंदर कुछ कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट ने एफडीआई को प्रोहिबिट किया. हाँ, ऑटोमेटिक रूट और ये दो रूट की मैं बात कर लेता हूं. ऑटोमेटिक रूट एक होता है और एक आपका होता है परमिशन वाला रूट, ठीक है. एक में रिजर्व बैंक के थ्रू जाता है और एक गवर्नमेंट रूट रहता है, ठीक है. अब इसके अंदर दोनों रूट से परमिशन इसमें नहीं मिलेंगी. एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, इसमें नहीं है. लेकिन एग्रीकल्चर में भी नहीं है, लेकिन किन किन में है वो भी देख लो. देखिए ये प्रोहिबिटेड है, मतलब इनमें परमिशन नहीं है, लेकिन एक्सक्लूडिंग यानी फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड, एनिमल हस्बेंड्री, पीसी कल्चर, कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम अंडर कंट्रोल कंडीशन, एलाइड एक्टिविटीज, इनमें है एफडीआई अलाउड है. प्लांटेशन एक्टिविटी एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन अदर देन टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है. आई बात समझ में. टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड नहीं, बाकी में है. तो ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है. मेन तो है सिक्स पॉइंट और सेवेंथ पॉइंट समझना. मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, जरा ध्यान देना बेटा. एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन एग्रीकल्चर एक्सक्लूडिंग, मतलब एग्रीकल्चर प्रोहिबिटेड, लेकिन इनमें नहीं है. किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये सब में नहीं है. एक एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन प्लांटेशन एक्टिविटीज, लेकिन अदर देन टी प्लांटेशन. अदर देन टी प्लांटेशन का मतलब टी प्लांटेशन के अलावा जो भी रहेगा उसके अंदर एफडीआई प्रोहिबिटेड है. चीज समझ लो, अदर देन टी प्लांटेशन में प्रोहिबिटेड है, मतलब टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है.
ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, देख लो, FDI इज प्रोहिबिटेड इन टी प्लांटेशन एक्टिविटी अदर देन टी प्लांटेशन. टी प्लांटेशन के अलावा जो भी प्लांटेशन एक्टिविटीज है उसमें FDI प्रोहिबिटेड है, मतलब टी प्लांटेशन में FDI अलाउड है. वैसे ही हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस में FDI अलाउड नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप ये सब चीजों में FDI अलाउड है. ठीक है, FII के बारे में मैंने आपको बता दिया, हमारे स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो यहां हमारा बेटा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होता है. अब मैं आना चाहूंगा फिफ्थ चैप्टर पे, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस. बड़ा आसान सा चैप्टर है ये, इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आप लोगों को वो पढ़ाता हूं. ज़्यादा डिटेल के अंदर इसके अंदर कुछ है भी नहीं वैसे समझने लायक. गवर्नमेंट देखिए, हाँ यहाँ पे आपको दो तरह के इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है. एक होता है बेटा फंडिंग इंस्टीट्यूशन, एक होता है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन. फंडिंग इंस्टीट्यूशन वो होता है जो बिजनेस को फंड दे के मदद करते हैं, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो बिजनेस को बिना फंड दिए मदद करते हैं. बराबर है? अब पहले मैं नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ. तो नॉन फंडिंग में हमको तीन सॉरी चार ऐसे इंस्टीट्यूशंस पढ़ने, आपके सिलेबस में तीन या चार हैं, देखते हैं मेरे क्या चार है आपके सिलेबस में. एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंड्स प्रोवाइड नहीं करता है बिजनेस को, लेकिन बैंकों को रेगुलेट करना आरबीआई का काम, और बैंक के बिना बिजनेस नहीं चल सकता क्योंकि बैंक फंड प्रोवाइड करते हैं. बराबर है? तो आरबीआई एक तरह से बिजनेस की फैसिलिटेशन में मदद, बिजनेस फैसिलिटेशन में मदद तो बिजनेस को मदद करता ही है, कैसे? बैंकों को रेगुलेट करके, क्योंकि बैंक डायरेक्टली बिजनेस को मदद करते हैं. आई बात समझे? फिर होता है सेबी, जो कंपनीज लिस्टेड होती है उन कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज फंड तो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन अगेन बिजनेस को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बिजनेस फैसिलिटेशन. ये सेबी बेसिकली मदद करता है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि अगर कोई कंपनी गड़बड़ कर दे तो कौन जवाबदारी लेगा? कोई कंपनी ने अगर फ्रॉड किया, कोई कंपनी ने आपसे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स ऐसा कुछ छुपाया, आप तो इन्वेस्टर हो, आपसे अगर गलत गलत जानकारी आपको दी जाए प्रोस्पेक्टस में तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? तो कोई भी कुछ भी जानकारी दे देगा. इसको रोकने का काम सेबी करता है, सेबी के बहुत कड़े नियम रहते हैं. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, फेयर बिजनेस होना चाहिए, कोई मोनोपली नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए मोनोपली इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेशन. कई बार क्या होता है मोनोपोलिस्ट कैसे तो भी मोनोपोली कर लेते हैं दूसरे बिजनेस को, मतलब एंटी कॉम्पिटिटिंग एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, तो इससे क्या होता है प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है. तो फ्री, अच्छा फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, इसके लिए CCI बनाया गया है. और इसके बाद IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी नॉन फंडिंग है. मतलब नॉन फंडिंग यानी ये चारों भी बिजनेस को मदद तो करते हैं बट फंड्स नहीं देते. फंडिंग अलग है, नॉन फंडिंग चीज अलग है. फंडिंग यानी फंड्स प्रोवाइड करना, नॉन फंडिंग यानी बिना फंड्स के मदद करना. आई बात समझ में? तो अब मैं बात करता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बेटा मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताता हूं, ध्यान देना. सबसे पहला जिस पे क्वेश्चन आने के चांस है मैं मार्क करा रहा हूं. आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई एक्ट 1934. ये चीज पे ध्यान रखना. आरबीआई एक्ट 1934 में पास हुई थी, आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 के दिन. ये बात को ध्यान में रखिए. इनिशियली इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, सिंस नेशनलाइजेशन 1949 आरबीआई इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. काम की चीज. सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वॉज इनिशियली स्टैब्लिश्ड इन कैलकटा बट परमानेंटली मूव टू मुंबई. इनिशियली कैलकटा, बाद में मुंबई में इस साल में, ईयर 1937. ये भी काम का है. ठीक है, आरबीआई अफेयर्स आर गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो बोर्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग आरबीआई एक्ट को ध्यान में रखते हुए अपॉइंट करती है. चलिए अच्छी बात है. आरबीआई का रोल बेटा यहाँ पे दिए हुए, फंक्शंस दिए हुए, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, ये सब कोई विशेष काम की नहीं. बैंकों की बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस और डॉलर वगैरह करेंसी, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करती है आरबीआई, CRR, SLR, इसके बारे में आपको बताया था. CRR आपका होता है कैश रिजर्व रेशियो, SLR होता है स्टैचुरेट लिक्विडिटी रेशियो. आपको ये पता होगा कि किसी भी बैंक को उसके टर्म उसके सॉरी डिमांड लाइबिलिटीज और टाइम लाइबिलिटीज. डिमांड लाइबिलिटी मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा आपको पैसा पे करना पड़ेगा. टाइम लाइबिलिटीज का मतलब फिक्स डिपॉजिट्स,
टाइम डिपॉजिट्स, ये एक फिक्स समय के बाद मैच्योर होंगे, ये बैंक की लाइबिलिटी है। इसका कुल मिला के बैंक को 4% हिस्सा, अभी 3% हो गया फिलहाल, सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, और 20%, मैं अप्रोक्सीमेट रेट लिख रहा हूँ, 1-2% चेंज होता रहता है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कुछ लिक्विड एसेट्स खरीदना है और अपने पास में रखना है। लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड, जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके, शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये, और कैश भी आता है इसके अंदर, इन फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो अब ये क्रेडिट कैसे कंट्रोल होगा, बैंक के पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आते हैं, और उसमें से 20+4 24 करोड़ बैंक इस टाइप में रखती है, तो बैंक के पास लोन देने के लिए बचते 76 करोड़। अब आरबीआई इसको कम ज्यादा करके ये फिगर को बढ़ाती है, इससे क्या होता है, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम भी होती है, तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा तो मार्केट में क्या कहते हैं, पैसा ज्यादा आएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा। बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी अगर कम कर देंगे तो अगेन कैश फ्लो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के अंदर इस सीआरआर को 4% घटा के 3% कर दिया, 1% कम करने से 1 लाख कुछ करोड़ रुपए बैंक के पास ज्यादा रह गए। बैंक के पास ज्यादा रह गए मतलब बैंक लोन ज्यादा बांटेंगी, और लोन ज्यादा बांटेंगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आने से ये लोग खर्चा करेंगे और इकोनॉमी चलेंगी। ये कोविड में जो रिसेशन आया था उसको इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए आरबीआई का एक छोटा सा स्टेप है ये। आई बात समझ में, फर्क बहुत पड़ता है लॉन्ग टर्म में। तो ये होता है सीआरआर एसएलआर वगैरह के बारे में, इस कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटी भी आरबीआई कई बार करता है, जनधन खाते खोलना है, नाबार्ड के थ्रू फार्मर्स को लोन देता है, एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंटर बैंक, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये सब आरबीआई करता है। कलेक्शन ऑफ, पब्लिकेशन ऑफ डेटा, भैया इन्फ्लेशन कितना था, ये सीआर आपके बहुत सारे स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें आरबीआई लाता है। आरबीआई का रोल है बिजनेस फैसिलिटेशन में। करेंसी पॉलिसी, तो ऑब्वियसली आरबीआई तय करता है। क्रेडिट पॉलिसी भी आरबीआई डिसाइड करता है सीआरआर एसएलआर के फॉर्म में, बेसिस पॉइंट के फॉर्म में ये होता है। अब आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1%। आरबीआई के गवर्नर जब भी बात करते हैं बेसिस पॉइंट्स पे बात करते हैं, जैसे वो उन्होंने कहा कि भैया सीआरआर बढ़ 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब ये 0.5% बढ़ाया, 50 बेसिस पॉइंट। आई बात समझ में, क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% हो गया। आई बात समझ में। हाँ, एक और चीज होती है बेटा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है बैंक को अगर बोरो करना है आरबीआई से कुछ पैसे, तो रेपो रेट एक रेट लगता है, वो रेट के हिसाब से परसेंटेज इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं आप इसको, इंटरेस्ट रेट लगता है कि वो बैंक बोरो कर सकती है। मान लीजिए रेपो रेट 6% है, एग्जांपल। रिवर्स रेपो इसका उल्टा, अगर बैंक के पास पैसे ज्यादा और बैंक को आरबीआई में जमा करना है पैसे, तो बैंक को आरबीआई कुछ इंटरेस्ट देंगी, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ऑब्वियसली रिवर्स रेपो कम रहता है, रेपो ज्यादा रहता है, जनरली इसके अंदर 50 बेसिस पॉइंट का फर्क रहता है, मतलब 0.5% का, यानी ये होगा 5.5%। आई बात समझ में। बाकी तो इसके अंदर फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म, आरटीजीएस, कार्ड स्वैपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब काम आरबीआई के है। इसके बाद बेटा आता है सेबी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेबी वॉज इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988 एंड गिवन स्टेचुटरी पावर्स इन 1992 विद सेबी एक्ट 1992 बीइंग पास्ड इन पार्लियामेंट एंड इट कम इन फोर्स विद 30 जनवरी 1992। डेट्स ध्यान रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक और चीज, सेबी के पहले कौन था? सेबी के पहले था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज हैज बीन रिपील्ड बाय सेबी। कंट्रोल पहले कौन था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, सीसीआई। सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मत समझ लेना यहां पे। पहले सेबी को किसने, सेबी ने किसको रिप्लेस किया? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। ठीक है, और एक चीज जिस पे क्वेश्चन आता है, सेबी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। है सेबी का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। सेबी का नॉर्दर्न ऑफिस, ईस्टर्न ऑफिस, सदर्न ऑफिस और वेस्टर्न ऑफिस, चारों दिशाओं में सेबी के ऑफिसर्स है। नॉर्दर्न ऑफिस उनका दिल्ली में है, ईस्टर्न ऑफिस उनका कोलकाता में है, साउदर्न चेन्नई में है, वेस्टर्न कई लोग मुंबई समझते हैं, लेकिन बेटा मुंबई हेडक्वार्टर्स है, वेस्टर्न ऑफिस अहमदाबाद में है। नहीं तो दिल्ली कलकत्ता चेन्नई मुंबई, दिल्ली कलकत्ता चेन्नई मुंबई, मेट्रो सिटीज नहीं, मेट्रो सिटीज में है ऑफिस,
लेकिन रीजनल ऑफिस है वो, लेकिन जो मुंबई मेट्रो सिटी है वहां पे हेडक्वार्टर है सेबी के, और जो वेस्टर्न ऑफिस है वो अहमदाबाद में है। बेटा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा। और एक चीज जो बता रहा हूं जिसपे क्वेश्चन आएगा, सेबी के बोर्ड के बारे में, कितने मेंबर्स हैं सेबी के बोर्ड के अंदर, उसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है, जरा ध्यान देना आगे। विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, सेबी के बोर्ड में एक है चेयरमैन, एक चेयरमैन, वो अकल वाला आदमी चाहिए, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चेयरमैन हो गया, एक आदमी, उसके बाद दो आदमी, टू मेंबर्स, ये रहेंगे ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग इन फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी हु शैल बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन। इसके बाद तीसरा आरबीआई, एक आदमी आरबीआई करेगा और इसको नॉमिनेट कौन करेगा, आरबीआई करेगा। उसके बाद पांच अदर मेंबर्स और रहेंगे, इसमें से एटलीस्ट कम से कम तीन तो भी होल टाइम मेंबर रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी, और बाकी के दो कौन करेगा, यही सेबी। लेकिन एक चीज समझ लेना, एटलीस्ट तीन का मतलब है चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, दो नहीं, दो तो तीन से कम हो गया, ठीक है। एटलीस्ट थ्री मेंबर्स, यानी कम से कम तीन मेंबर तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है, यानी पांच और हो गए, पांच और एक छह सात आठ, टोटल नौ मेंबर्स रहेंगे। सेबी के फंक्शंस आप लोग भली भांति जानते हो, मैं कुछ और चीज बताता हूं। क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेशन बनाना मतलब लॉ बनाना, जैसे गवर्नमेंट लॉ बनाती है वैसे सेबी रेगुलेशंस बनाता है। क्वाजी मतलब रूल बन, गवर्नमेंट जैसे लॉ बनाती है, लॉ बनाने के जैसा, लॉ बनाने का पावर दिया है। जुडिशियल डिसीजन, जैसे जुडिशियरी को जैसे पावर है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, वैसे ही सेबी को भी जुडिशियल कैपेसिटी में पावर है। जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट करने का गवर्नमेंट को पावर है, वैसे सेबी को भी कोई चीज अपनी बात मनवाने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, एनफोर्समेंट करने का भी सेबी को पावर दिया गया है, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन आने वाली चीजें बता रहा हूं। देयर इज सिक्योरिटी अपेलेट ट्रिब्यूनल विच इज थ्री मेंबर ट्रिब्यूनल हेडेड बाय जस्टिस जेपी देवधर, अ फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट। सेकेंड अपील लाइक डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, यानी सेबी का जो सिक्योरिटी अपेलेट ट्रिब्यूनल है वहां के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो बीच में फिर हाई कोर्ट नहीं है, सीधा सेकेंड अपील आपको सुप्रीम कोर्ट में करना है। आई बात समझ में, सेबी के पावर्स है, रोल है, ठीक है, ये विशेष नहीं है। हाँ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन फ्रीली होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, कॉम्पिटिशन कम होने से फायदा होता है पब्लिक को, ठीक है। अब इसके अंदर चीज समझना बेटा, इसमें दो तरह के कंपटीशन की बात है, एक है डायरेक्ट कंपटीशन, एक इनडायरेक्ट कंपटीशन। चीज समझना, पिज्जा हट डोमिनोज डायरेक्ट कंपटीशन, कोको कोला पेप्सी डायरेक्ट कंपटीशन, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक डाइनिंग रेस्टोरेंट और एक पाव भाजी का ठेला, डाइनिंग रेस्टोरेंट के सामने एक पाव भाजी का ठेला लगा है तो पाव भाजी का ठेला और वो डाइनिंग रेस्टोरेंट में इनडायरेक्ट है। भैया कोई आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है लेकिन अचानक उसकी वाइफ बोलती है चलो ना पाव भाजी खा लेते हैं, तो रेस्टोरेंट पाव भाजी खाने से अच्छा वो ठेले पे पाव भाजी खा लेते हैं, तो रेस्टोरेंट का नुकसान हो गया कि खाना खाने आ रहे थे पाव भाजी दिख गई तो पाव भाजी खाने की इच्छा हो गई। आई बात समझ में, इसे कहूंगा मैं इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट है, ये सब पास हुआ था, ये सब कोई विशेष नहीं। हाँ, पहले कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 हुआ था, उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट 2007 आई, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट के आने से, फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट कैंसल हो गया, इसकी जगह कॉम्पिटिशन एक्ट ने ले ली, MRTP कमीशन डिसॉल्व हो गया। पहले मोनोपोली रोकने के लिए मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन था, अब वो बंद होके उसके जगह CCI आ गया, ठीक है। अगेन CCI के अंदर कितने मेंबर्स, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज समझना। CCI कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड सिक्स मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कितने लोग हो गए, कुल मिला के सात लोग हो गए, 1+6। क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ध्यान रखना, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, रोल ऑफ CCI, ठीक है। इसके बाद आता है IRDAI 1999 के अंदर IRDA एक्ट के तहत ये पास हुआ था। इसके अंदर एक चीज और काम की है, FDI लिमिट बढ़ाई, ठीक है, ये कोई विशेष नहीं है बेटा।
आर्य फंडिंग इंस्टीट्यूशन। हाँ फंडिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर नाबार्ड हमारे सिलेबस में, पहले तो और भी था लेकिन अभी फिलहाल के लिए नाबार्ड रखा गया है। नाबार्ड का रोल क्या है? नाबार्ड एक बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के पास पैसा कहाँ से आता है? नाबार्ड एक्चुअली एग्रीकल्चर रिलेटेड शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, और नाबार्ड के पास पैसा आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये जो CRR बैंक जमा करती है ना, ये नाबार्ड को दिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, सस्ते रेट के अंदर लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। नाबार्ड टॉप 50 टैक्स पेयर्स के अंदर भी आता है। सारा प्रॉफिट जो भी नाबार्ड को होता है वापस वो उसी के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। अब नाबार्ड के बहुत सारे रूल्स हैं, बाकी वैसे कुछ इस पे समझाने जैसा नहीं है बेटा, सिंपल है ये। सेल्फ हेल्प, ये SHG प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना इसका। रीजनल RRB, रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, ये सारे सबको मतलब नाबार्ड मदद करता है। नाबार्ड का ऑफिस, नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स वगैरह के बारे में जरा देख लीजिए, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ। नाबार्ड का हर जगह ऑफिस नहीं है बेटा, गांव खेड़े में आपको हर बैंक में नाबार्ड का एक काउंटर मिल जाएगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझ लीजिए कोई गांव के अंदर है, नरखेड़ में, तो वहां पे एक नाबार्ड का आदमी बैठा रहेगा इस तरीके से। और नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इस पे कई बार, ठीक है। ये चीज, ये हमारा हो गया बेटा फिफ्थ चैप्टर, बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं। सिक्स चैप्टर तो आपको पता है ऑलरेडी, सिक्स चैप्टर में कुछ समझाने जैसा नहीं। सिक्स चैप्टर में जो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है जिसका मतलब आप ऑलरेडी समझ, उसमें रिवाइज कराने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी का मतलब है जो आपको ध्यान में रखना है, दो तीन लाइन के अंदर दिए हुए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैंने रिविजन कराने की आपको कोशिश की, जो 20 घंटे 30 घंटे में पढ़ाते हैं वो कोशिश की 2 घंटे में कंप्लीट हो। और ये आपका बिजनेस, ये फाउंडेशन का यहाँ पे रिवीजन लेक्चर कंप्लीट होता है माय फ्रेंड्स। अब काम की बात ध्यान से सुनिए, आप सबको बेटा ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम्स के लिए। आपकी एग्जाम्स कुछ दिनों में होने वाली, और आई होप, मैं प्रे करता हूँ एग्जाम हो जाए ताकि आप लोग एक बार स्ट्रेस फ्री हो जाओ कुछ दिनों के लिए, है ना। क्योंकि एग्जाम अगर नहीं होंगी तो फिर से वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घूमता रहेगा। तो आप लोग स्ट्रेस फ्री हो जाओ, आपको ऑल द बेस्ट बेटा एग्जाम के लिए। एकदम अच्छे से पेपर करना, पैनिक क्रिएट बिल्कुल मत करना। जिन लोगों ने मेरी क्लासेस अच्छे से की है मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी को भी 60 मार्क्स से कम नहीं मिलेंगे इकोनॉमिक्स और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में, ये मेरा अश्योरेंस है। जिस तरीके से नोट्स है, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, जिस तरीके से हमने MCQs किए, जिस तरीके से आपने टेस्ट सीरीज दी है, और जिस तरीके से आप रिविजन कर रहे हो, इतना भी अगर ढंग से किसी ने किया है नॉर्मल जैसा मैंने पढ़ाया वैसा, घर में नहीं भी पढ़ाओ चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास अटेंटिवली अगर सुनी है तो बेटा उसको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 60 मार्क्स से कम नहीं आएंगे। 50 तो आना ही है, वो तो पास तो सभी होने वाले, उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन 60+ मार्क्स आएंगे आपको, ये मैं अश्योरेंस देता हूँ आपको, पक्की बात, कोई तकलीफ नहीं। और साथ ही साथ अभी तो फाउंडेशन है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे बेटा CA इंटर में। CA इंटर में मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ CA इंटर में मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ जो सेकेंड ग्रुप में FM के साथ, और बाकी तो आप सब जानते हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ यही रुकते हैं, आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।